अस्सलाम वालेकुम। आज की इजी शीज़ी की रेसिपी में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मिस वेजिटेबल, बिल्कुल ढाबा स्टाइल की। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, इसे 2 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल ऐड करूँगी। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना मैं लहसुन अदरक ऐड करूँगी, इसे अच्छे से सौते कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं 1/2 कप जितना जो है फ्राइड अनियंस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्राइड अनियंस नहीं है तो 1 बड़ी साइज़ का अनियन जो है आप लेकर उसे अच्छे तरीके से ब्राउन कर सकते हैं। मेरे पास फ्राइड अनियंस है तो मैंने यहाँ पर फ्राइड अनियंस का इस्तेमाल किया है। और साथ ही अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो मेरे फ्राइड अनियंस है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कि कुछ यूँ है: 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो जितने भी मसालों के फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएं। मसाले ने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब हमारा मसाला अब रेडी है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 1 कप जितने जो है टोमेटो पेस्ट का ऐड किया है। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट नहीं है तो फिर आप इधर 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है हमने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है। तो इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप गाजर ले लिए हैं, 1.5 कप मटर लिए हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 300 ग्राम जो है आलू ऐड किए हैं। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास जितना जो है पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। अब यहाँ पर 15 से 20 मिनट बाद ही हमारे सारे वेजिटेबल्स जो थे वो अच्छे तरीके से कुक हो गए थे, क्योंकि हमने इनकी जो कटिंग की थी वो थोड़ी छोटी की थी तो जल्दी ये कुक हो गए। आप चाहें तो इस तरह का शोरबा भी रख सकते हैं और चाहें तो थोड़ा पानी को एवोपरेट भी, शोरबे को एवोपरेट भी कर सकते हैं। मैंने 5 मिनट और इसे चूल्हे पर रखा था, इसके बाद मैंने स्टोव बंद कर दिया था। इसके ऊपर मैं अब हम धनिया ऐड कर देंगे और मज़ेदार सी हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है वो तैयार है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।